जलील होने की हद होती है भैया। जिस तरीके से जायसवाल और गिल ने कल के मैच में वेस्ट इंडीज की धुलाई की है, ऐसे तो हमारी मम्मी भी हमारे कपड़ों की धुलाई नहीं करती है। गजब बेइज्जती है। वो तो शुक्र करो भगवान का कि शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, नहीं तो ये वेस्ट इंडीज वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैच के बारे में बात कर लेते हैं भैया। हुआ ये कि वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन वेस्ट इंडीज के ओपनर काइल मेयर शुरुआत में ही खतरनाक दिखे। ऐसा लग रहा था कि ये आज 250 रन बनाने के चक्कर में आए हैं, लेकिन तभी 7 बॉल पे 17 के स्कोर पर अर्शदीप ने उनको बोला बाप को भेज तेरे बस की बात। लेकिन बनडाउन पर बल्लेबाजी करने आए से होप ने वेस्ट इंडीज को गेम से बाहर नहीं होने और 29 बॉल पर 45 रन बना डाले, लेकिन हमारे कानपुर के लड़के कुलदीप ने एक ओवर में पूरन और पावेल को बोला बाप को भेज तेरे बस की बात। लेकिन बाद में बल्लेबाजी करने आए हेडमायर की 39 बॉल पर 61 रन की पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने 178 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दी, जो कि T20I में एक बढ़िया स्कोर माना जाता है। अच्छा, लेकिन जिस हिसाब से हमारे ओपनर खेले हैं ना, उस हिसाब से 250 रन भी चेज हो जाते। जिस तरीके से कल SSV ने बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था जैसे शिखर धवन मैदान पर आ गए हो। भाई ने पावर प्ले में ऑफ साइड पर इतने चौके लगाए कि वेस्ट इंडीज वाले कन्फ्यूज आ गए कि फील्डर कहाँ पे लगा। ऊपर से सुमन गिल भी रिदम में दिखे, उनकी गई हुई फॉर्म वापस आ गई। जिस तरीके मजा आया से ये लड़के खेले हैं ना, मैंने तो टीवी पर काला टीका लगा दिया कि कहीं इन्हें नजर ना लग जाए। लेकिन मैच खत्म होते होते इनकी जोड़ी को ना जाने किसकी नजर लग गई और सुमन गिल एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। बचा खुचा काम यशस्वी भाई ने कर दिया और उनके 51 बॉल पर 84 रन नाबाद की पारी के बदौलत इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 18 बॉल रहते 9 विकेट से ये मैच जीत लिया।